लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टेक न्यूज़। दोस्तों क्या जबरदस्त न्यूज़ है आज, इतने सारे लॉन्चेस के बारे में बताने वाला हूँ, इतने सारे एक्सक्लूसिव बताने वाला हूँ, पूछिए मत। आज पूरी टेक न्यूज़ देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अच्छी लगे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों आज है महाशिवरात्रि और सभी आप लोगों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों पहली न्यूज से चालू करते हैं। और ये जो पहली न्यूज है वो मैं कहूंगा ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम ऑन ब्रॉडबैंड स्पीड एंड मोबाइल डेटा स्पीड्स पे। अभी भी हम अगर आप देखोगे चार्ट्स के ऊपर, उकला का जो रिपोर्ट आया हुआ है उसमें, तो हमारी जो रैंक थी मोबाइल डेटा रैंकिंग के लिए तो कुछ 67th थी, वो हम 66th पे आ गए हैं। एंड फिक्स्ड ब्रॉडबैंड में तो 128 इस रैंक पे है। स्पीड्स अगर मैं कहूँ आपको तो फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की स्पीड 48 Mbps एट एन एवरेज है और मोबाइल डेटा की जो है वो कुछ 11.5 Mbps है। अगर 11.5 Mbps भी मिलती है आई विल बी वेरी हैप्पी, नहीं मिलती है बहुत जगह पे। आपको क्या स्पीड मिलता है मोबाइल का और ब्रॉडबैंड का, जरूर नीचे कमेंट्स में बताइए। और दोस्तों एक अच्छी खबर है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, अगर आप विंडोज इस्तेमाल करते हो तो आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो डिफेंडर है ये एंटीवायरस, उसकी वजह से दूसरे एंटीवायरस डालने की जरूरत नहीं है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि हम iOS एंड एंड्रॉयड के लिए भी एंटीवायरस बना रहे हैं और बहुत ही जल्दी आ जाएगा, ये लॉन्च हो जाएगा इसका मतलब। एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी जब ये करती है देन यू ट्रस्ट देम। बाकी के बहुत सारे एंटीवायरस है टू बी ऑनेस्ट, और ये बहुत सारी चाइनीज कंपनीज है, आई डोंट ट्रस्ट देम, मैं डालता भी नहीं हूँ। और वैसे एंटीवायरस की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारा मैलवेयर स्पूफिंग ये सब होता है और उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ऑन iOS एंड एंड्रॉइड। दोस्तों बहुत सारी खबरें हैं फोन्स के बारे में आज, तो बता दूं एक तो MWC 2020 कैंसिल हो गया था। उधर मैं आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू Vivo Apex 2020, ये कंसेप्ट फोन लॉन्च होने वाला था, अब वो खाली है उधर, लेकिन उधर के पोस्टर्स अभी भी हैं और कुछ पोस्टर्स के फोटोज आ गए हैं और क्लियरली पीछे क्रेजी गिम्बल लाइक कैमरा दिख रहा है। मतलब गिम्बल जैसे आप इस्तेमाल करते हो स्टेबलाइज करने के लिए, वैसे Vivo Apex कंसेप्ट 2020 में होने वाला था। अब जब लॉन्च होगा तो पता चल जाएगा कब लॉन्च होगा, ये अभी तक पता नहीं है हमें, बट गिम्बल लाइक कैमरा मतलब सुपर स्टेबलाइजिंग। और दोस्तों आप अगर नए हो तो बता दूं मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसाई, आप देख रहे हो ट्रैकिंग टेक न्यूज नंबर 654। और अगर नए हो तो एक चीज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। और हम हर रोज जबरदस्त क्वालिटी वीडियोज अपलोड करते हैं, एटलीस्ट दैट्स वॉट यू टेल अस, थैंक यू सो मच। तो आज जो वीडियो अपलोड किया हुआ है वो है अनबॉक्सिंग ओप्पो नहीं दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A71 का। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे फोन्स आने वाले हैं, बहुत सारे अनबॉक्सिंग भी है, लेकिन ये जो है ये सैमसंग गैलेक्सी A71 का है, प्रीमियम मिड रेंज फोन है, जरूर देखिएगा, अगर कुछ सवाल है वो भी पूछ लीजिएगा। और हाँ दोस्तों आज फ्राइडे है, 12 बजे क्या होता है ट्रैकिंग के फंडे चैनल पे और एक एपिसोड आ गया है, जरूर देखिएगा कि आपकी सैलरी बिगिनिंग ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ में क्या होता है, उसका क्या होता है, आप पे क्या गुजरती है। और ओप्पो क्यों मैं गलती से बोल दिया, क्योंकि ओप्पो A31 लॉन्च होने वाला है, 71 M31 भी लॉन्च होने वाला है अगले कुछ अगले हफ्तों में। और दोस्तों ये जो ओप्पो का A31 है ये आने वाला है दो वेरिएंट्स में, 4GB RAM 6GB RAM, पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरास दिख रहे हैं, ओवरऑल अच्छा दिख रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं आपको, ये सिर्फ ऑफलाइन मार्केट के लिए ऐसे लग रहा है, जब आएगा तब देखेंगे, अगले हफ्ते अनबॉक्सिंग जरूर मिलेगी। Oppo Reno 3 Pro ये भी लॉन्च हो रहा है, ये लेकिन लॉन्च हो रहा है March 2nd को, जी हाँ, और इसके प्री ऑर्डर्स 10 दिन पहले ही खुल गए हैं प्री ऑर्डर्स। और अगर आप अभी प्री ऑर्डर करोगे दोस्तों तो आपको अगर 1000 लोगों को कुछ Oppo Enco वायरलेस ईयरफोन जो है वो मिलने वाले हैं, लेकिन प्री ऑर्डर करोगे तो एक कन्फर्म गिफ्ट है, आपको ब्लूटूथ स्पीकर भी मिलेंगे, जी हाँ Oppo के ही, तो इंटरेस्टिंग है, लिंक दे रहा हूँ नीचे, जरूर जाकर। और एक फोन आ रहा है ओप्पो की ही तरफ से, ओप्पो फाइंड X2, यस ये ग्लोबल लॉन्च है, ये इंडिया लॉन्च नहीं है, March 6th को ग्लोबली लॉन्च होने वाला है फाइंड X2। और आपको पता है फाइंड X2 जनरली कैमरास जो होते हैं बहुत ही जबरदस्त होते हैं, अब पहले चाइना में लॉन्च होगा या फिर ग्लोबल लॉन्च होगा उसके बाद में इंडिया में आएगा, सो आई थिंक अराउंड मार्च एंड इंडिया में भी आ जाना चाहिए ओप्पो फाइंड X2, और जब आएगा सब कुछ आपको जरूर बताएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं रियलमी की, यस आज हमने एक इंटरव्यू डाला हुआ है, एक्सक्लूसिव है दोस्तों माधव शेठ जी के साथ, जी हाँ रियलमी के CEO हमारे स्टूडियो में आए थे और बहुत मजा आया उनके साथ बात करके। आपको बता दूं रियलमी टीवी के बारे में उन्होंने बताया,
उन्होंने Realme बैंड के बारे में बताया। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ स्पेसिफिकेशंस आपको पता चल जाएंगे। Realme के स्पीकर्स आने वाले हैं ये भी बताया हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें बताई है। जरूर जाके देखिएगा, पूरा इंटरव्यू देखिए। वैसे इंटरव्यू कैसे लगा ये भी हमें जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, आज ऑनलाइन मीडिया में सब जगह पे Realme X50 Pro जो लॉन्च होने वाला है दो दिनों के बाद Feb 24th को, तो इसके तीन कलर्स आए हुए हैं ऐसे बताया हुआ है। एक पिंक दिख रहा है, एक ऑरेंज दिख रहा है, एक ब्लू या ब्लैक दिख रहा है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आई एम टेलिंग यू दोस्तों, ये Realme X50 Pro के इमेजेस या फिर बैक नहीं है। यस, सब जगह पे सब ने डाला हुआ है, आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, देख लीजिएगा पता चल जाएगा। और हाँ दोस्तों, माधव शेठ जी ने आज ट्विटर डाल दिया, ट्वीट डाल दिया ट्विटर पे, और उन्होंने कहा रियल डिजाइन, रियल साउंड, रियल क्लैरिटी, ऐसे तीन चीजें डाली हुई है जो क्लियर, और एक ऐसी लाइन दिख रही है। तो मुझे लगता है ये टीवी के बारे में या फिर स्पीकर्स या और कुछ भी हो सकता है, बट Feb 24th को आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब X50 Pro लॉन्च होगा उसी लॉन्च इवेंट में माधव शेठ जी बताएंगे कुछ तो भी नया। देर इज ऑलवेज वन थिंग मोर, वन थिंग एक्स्ट्रा। यस, चलिए अब बात करते हैं Xiaomi। Xiaomi लॉन्च कर रहा है और एक हेडफोन्स, जी हाँ, ये वायर्ड हेडफोन्स है, डुअल डायनामिक ड्राइवर्स होने वाले हैं, बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी के साथ आने वाले हैं। अब जब आएगा तब देखेंगे, बट ये लॉन्च होने वाले हैं Feb 25th को, इसका मतलब ट्यूसडे को लॉन्च होंगे। अगर हमारा हाथ लगता है उसके ऊपर तो जरूर आपको बताएंगे कि ऑडियो क्वालिटी कैसी है। कही जा रही है बहुत अच्छी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्सेसरीज बहुत सारे लॉन्च हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो पिछले दो तीन दिनों में उन्होंने ऑलरेडी दो चीजें लॉन्च कर दी। एक तो डेंटिस्ट उन्होंने लॉन्च किया, और एक क्या चीज लॉन्च की, चलिए देखते हैं कितना पता है आपको, नीचे कमेंट्स में बताइए। क्या तीन चीजें लॉन्च की है? दो तो मैंने बता दी, डेंटिस्ट मतलब इलेक्ट्रिक टूथब्रश, और जो आने वाला है Feb 25th को, उसके पहले क्या लॉन्च किया? द नेशन वॉन्ट्स टू नो Which is India's first 5G smartphone? क्योंकि दोस्तों जब iQOO आया था तो सब ब्रांडिंग विंडिंग टीजर्स पे सब लिखा था उन्होंने कि this is the India's first 5G smartphone iQOO 3। उसके बाद में suddenly Realme X50 Pro आ गया और वो बन गया India's first 5G phone। और आज Xiaomi ने डाल दिया है ट्वीट के ऊपर कि Mi Homes के अंदर हम Mi Mix Alpha दे रहे हैं। अब उसकी प्राइस नहीं है आई हुई है, ऐसे नहीं बताया हुआ है कि खरीद सकते हो आप, लेकिन कह दिया है दिस इज इंडियाज फर्स्ट 5G स्मार्टफोन Mi Mix Alpha। इंटरेस्टिंग है, आप मुझे बताइए विच वन विल यू थिंक इज द फर्स्ट 5G स्मार्टफोन। मुझे लगता है मेरे हिसाब से जो आप सबसे पहले खरीद पाओगे वही होगा इंडियाज फर्स्ट 5G स्मार्टफोन। तो दोस्तों कैसी लगी टेक न्यूज़? जी हाँ, खत्म होती है इधर ही। अच्छी लगी तो पहले ही लाइक कर दीजिएगा, लेकिन वक्त होता है ट्रैक एंड टेक ट्रेजर हंट का। जी हाँ, कुछ दिखा आज की टेक न्यूज़ में इधर उधर आजू बाजू आगे पीछे, अगर दिखा तो जाइए कमेंट सेक्शन में #TTTH डालिए, टाइम स्टैम्प डालिए, स्पेसिफिकली हमें बताइए आपने क्या देखा, क्योंकि अगर आप सही हो तो आप जीत पाओगे पेटीएम का गिफ्ट वाउचर। और कल के हमारे पेटीएम गिफ्ट वाउचर के विनर हैं इंद्रनील दीक्षित, कांग्रेचुलेशंस इंद्रनील जी, भेजिए आपका पेटीएम का मोबाइल नंबर, हम भेज देंगे आपको आपका पेटीएम गिफ्ट वाउचर। एंड नाउ टाइम फॉर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस टेक न्यूज, जी हाँ, हमारे सुपरस्टार्स का नाम लेने का, आपका नाम लेने का। कल के हमारे तीन सुपरस्टार फीचर्ड कमेंटर्स हैं निदा सैयद, सुजय के और मयंक राजन। कांग्रेचुलेशंस, क्या जबरदस्त कमेंट डाले दोस्तों, ऐसे ही कमेंट डालते रहिए, ऐसे ही हम आपके कमेंट्स पढ़ते रहेंगे, आपका नाम लेते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज की हमारी ट्रैक एंड टेक न्यूज एपिसोड नंबर 654 खत्म होती है इधर ही। अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं वो कर दीजिएगा, शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग। क्या हो रहा है आज, वर्ड्स आर नॉट कमिंग आउट प्रॉपरली, क्या लगता है आपको?